वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रोफेसर कमलेश ठक्कर, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से. आज जो वीडियो लेक्चर पर हम बात करने के लिए आए हैं वो बहुत यूज़फुल है हम टीचरों के लिए और प्रोफेसरों के लिए, कि जैसे हमने वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे तैयार किए और उसका जब फीडबैक हमें लेने की बारी आई, टेस्ट वगैरह लेने हैं, क्विज वगैरह लेने हैं, कॉम्पिटिशन्स कराने हैं, तो जो हमें फॉर्म जनरेट करना है, गूगल फॉर्म बहुत प्रचलित हो चुका है ये भी, उस पर हम बात करेंगे. और साथ ही साथ उसके एडऑन्स जो है, खासकर जो उसके एवज में हमें सर्टिफिकेट्स हम जो प्रोवाइड करते हैं, वेबिनार्स वगैरह जो हो रहे हैं उसमें कैसे हम सर्टिफिकेट को कस्टमाइज करके प्रोवाइड ऑटोमेटिकली उनके मेल पर करते हैं, और कैसे टाइम लिमिटिंग में कोई भी कॉम्पिटिशन हम करा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे. तो आज पार्ट वन मैं इसका बता रहा हूँ, और सेकंड पार्ट टू में मैं ज़्यादा अच्छे से सर्टिफिकेट पे चर्चा कर पाऊँगा. तो फर्स्ट तो हम चलते हैं, हमारे पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए, और मैंने ये गूगल ओपन किया और गूगल अकाउंट में है हमारे पास, और ये मेरा मेल साइन इन है. ये 9 पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना ड्राइव मिलेगा. यहाँ से कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है तो गूगल ऐप्स में ओपन किया, ये हमारा ड्राइव. तो ये ड्राइव हम ओपन करना चाहते हैं. तो सबसे पहले drive.google.com, या फिर सीधे आप अपना ड्राइव को अपने मेल से ही खोल सक अपने अकाउंट से ही खोल सकते हैं. जैसे ही आप अपना ड्राइव खोलेंगे, ड्राइव में जितनी सारी चीज़ें हैं, मेरे ड्राइव में बहुत सारे क्विज वगैरह हैं, तो वो है. आप एक राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने से आपके पास जो ये फॉर्म फॉर्मेट आएगा उसमें मोर का ऑप्शन आएगा. इस मोर पे आप जब क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स तैयार आपको मिलेंगे. अब आपके पास एक अनटाइटल्ड गूगल फॉर्म आ जाएगा. देखिए दोस्तों, कि गूगल फॉर्म अनटाइटल आ गया. अब आप इसका नाम जो देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं. जैसे मैंने नाम दे दिया कि क्विज ऑन फिजिक्स, फिजिक्स, ये क्विज ऑन फिजिक्स मैंने इसका नाम दे दिया, तो ये क्विज ऑन फिजिक्स बन गया. अब इस नाम को डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है तो मैंने दे दिया. अब अनटाइटल फॉर्म जो है लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, उस पर मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये पेज जो है वो मेरा क्विज ऑन फिजिक्स बन गया. अब मैं हेडर को पहले सेट बाद में करूँ, पहले तो मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, इसके बाद मुझे क्वेश्चंस पे आना है. तो चूंकि ये मेल से ही तैयार होना है तो मेल का क्वेश्चंस तो पहले ही होगा, तो पार्टिसिपेंट का हम नेम ले लेते हैं. नेम पहले हमने लिया, ठीक है, और इसका आंसर हमें शॉर्ट के फॉर्म में मिलेगा. ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इस पर हम बात करेंगे. ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये बहुत सारी कंडीशन है पैराग्राफ में चाहिए, पर हमें जनरली नाम शॉर्ट में चाहिए रहता है, तो शॉर्ट आंसर होगा. ये डुप्लीकेट है, ये डिलीट है, ये रिक्वायर्ड है कि इसका आंसर देना जरूरी है, वो मैंने क्लिक किया. उसके बाद इस पर आते हैं, ये ऐड क्वेश्चन को शो करता है, ये इम्पोर्ट करना है यदि क्वेश्चन को. ये आपका ऐड टाइटल डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको कोई पिक्चर इसमें ऐड करना है क्वेश्चंस के फॉर्म में तो है, ये बताता है. ये वीडियो ऐड करने के लिए, और ये सेक्शन जब आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाएंगे तब के लिए. तो चलिए हम एक क्वेश्चन ऐड करते हैं. और तो नेम के बाद हमने क्या ले लिया, हम चाहते हैं कि हम क्लास जानना चाहते हैं, तो मैंने क्लास डाला. क्लास में मुझे ड्रॉप डाउन डालना पड़ेगा कि कौन कौन सी क्लास को मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ इस क्विज में. तो सपोज कि मैंने डाल दिया कि भाई मैं BSc पार्ट वन को मैं शामिल करना चाहता हूँ, तो BSc पार्ट वन. और फिर मैंने डाल दिया कि BSc पार्ट टू को भी मैं शामिल करना चाहता हूँ, तो BSc पार्ट टू, ये दोनों मैंने शामिल किया, और इसे भी मैंने रिक्वायर में डाल दिया. ठीक है, अब मैं और कॉन्टैक्ट वगैरह और भी चीज़ें ले सकता हूँ. फिर आगे मैं बढ़ता हूँ कि नहीं, सेक्शन क्वेश्चंस देने हैं तो मैं सेक्शन चेंज करना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस की बारी है, तो ये सेक्शन चेंज हो गया. तो ये सेक्शन चेंज हुआ तो सेक्शन अनटाइटल्ड सेक्शन से सेक्शन में मैंने डाल दिया कि अब किसकी बारी है, तो भाई अब मुझे क्वेश्चंस देने हैं, तो उस क्वेश्चंस को मैंने डाल दिया. किससे रिलेटेड है जो भी आपको डालना है, मैंने यहाँ पर फिजिक्स डाल दिया. फिजिक्स के हैं भाई तो फिजिक्स के क्वेश्चंस को ऐड करना है, तो ऐड का ऑप्शन डाला. ठीक है, अब ऐड करने के बाद मुझे क्वेश्चंस लेना है, तो डेमो के लिए क्वेश्चंस मैंने ले लिया. सपोज कि कलर सॉरी मैंने क्वेश्चन ले लिया कि कलर ऑफ स्काई इज, कलर ऑफ स्काईज मैंने ले लिया, और ऑप्शन में मैंने मल्टीपल चॉइस में ले लिया कि भाई पिंक है, या सेकंड ऑप्शन मैंने यहाँ पर ले लिया कि ब्लू है, कि थर्ड ऑप्शन मैंने यहाँ ऐड ऑप्शन में करते गया कि रेड है, या फोर्थ ऑप्शन मैंने ले लिया ग्रीन है. ये मेरा क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया. अब इसका आंसर भी मुझे ही देना पड़ेगा. तो अब मुझे आंसर देने के लिए पहले तो इसे क्विज के फॉर्मेट में सेट करना पड़ेगा. इसके मैं रिक्वायर में डाल देता हूँ, जरूरी है इसका उत्तर देना. तो ये जो सेटिंग दिख रही है राइट में आपको, उस सेटिंग को क्लिक कीजिए.
जब आप सेटिंग को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जनरल सेटिंग में आएंगे, कलेक्ट ईमेल्स हमको कलेक्ट करने हैं, लिमिट टू वन रिस्पांस, एक बार कोई रिस्पांस करेगा वो एक ही बार कर सकता है एक व्यक्ति, एडिट नहीं कर सकते। प्रेजेंटेशन में हम ले लेते हैं प्रोग्रेस बार ले लेते हैं, सफल क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के ऑर्डर को हर वेब स्टूडेंट्स के लिए चेंज किया जा सकता है, ज़रूरत अभी नहीं लग रही है। रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, कन्फर्मेशन मैसेज भी आप दे सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो हुआ वो कलेक्ट हुआ। हमको क्विज बनाना है तो मैं क्या क्विज, मैं एक दिस से क्विज कर लिया, इमीडिएट आफ्टर इस सबमिशन बिल्कुल हमको मिल जाएगा। मिस्ड क्वेश्चन बताना नहीं है, करेक्ट क्वेश्चंस आंसर्स उनको अभी नहीं बताना है चाहते हम, या पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा नहीं करते। जैसे ही हमने इसे क्विज बनाया तो देखिए इस क्वेश्चंस के नीचे एक आंसर की आ गया, इसको आप क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पॉइंट्स आ गया, मुझे इसमें एक अंक देना है इस क्वेश्चन पे, तो एक अंक हो गया। और आंसर्स मुझे बताना है राइट वाला, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ब्लू है भाई, स्काई का कलर है ना। अब मैं इसे डन कर दूँ तो ये मेरा प्रिपेयर हो गया। अब इसी तरह मुझे क्वेश्चंस लगातार बनाते रहने हैं, तो ये मेरा गूगल फॉर्म एक कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने ईमेल रिस्पॉन्ड किया था तो वो अपने आप ईमेल यहाँ पर मांगने लगा, वैलिड ईमेल एड्रेस मांगने लगा, ठीक है। अब हमको ये तो समझ में आ गया कि क्या इसमें आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ जो भी आपका है ना। अब हम किस पर बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि कस्टम कस्टम थीम्स पर हम चलते हैं। कोई भी आपको हेडर इसमें से चूज करना है, अगर थ्री में यहाँ पर ऑलरेडी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो अपलोड की हुई अपनी जो थीम आपको चाहिए, आपके पास कोई थीम होगी आपको डालनी है डिपार्टमेंट की या कॉलेज की, जैसे मैं यहाँ पर अपने कॉलेज का एक पिक का डाल सकता हूँ या डाल रहा हूँ। देखिए ये मैंने ले लिया, एक फ़ोटो तो था हमारा कॉलेज का मेल से उठा के, वेबसाइट से उठा के, और ये फ़ोटो इस पर आ गया, इसको मैंने ट्रैक कर लिया। मुझे नाम चाहिए था, ये थीम मैंने डाल दी, मतलब ये हेडर में आ गया मेरे, तो ये हेडर आ गया। देखिए ऊपर आपका हेडर के फॉर्म में ये हमारा आ गया, ये क्विज में आ गया, क्विज ऑन फिजिक्स गवर्नमेंट विलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से। अब आप इसका बैकग्राउंड थीम का कलर चेंज कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब इससे, ये तो कस्टम की बात हुई। तो एडवांस जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर मुझे ज़्यादा चर्चा करना है। फॉर्म का प्रिव्यू आपको देखना है तो यहाँ पर ये प्रिव्यू है, आप प्रिव्यू भी देख सकते हैं फॉर्म का, ये प्रिव्यू है। प्रिव्यू में देखिए आपको जो जो डालना है, ईमेल डाल दीजिए, आंसर्स डालेंगे और क्लास सब चूज करेंगे, तब आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पर क्या हो पाएंगे जा पाएंगे, यानी कि स्टूडेंट्स को इस तरह से वो दिखाई देगा कि अगर मैं इसमें डाल दूं है ना @gmail, मैंने ये डाल दिया और फिर नेम डाल दिया मैंने भाई, मेरा नाम डाल दिया भाई। अब मैंने क्लास डाल दी, सपोज कि मैं बीएससी पार्ट वन का हूँ, और नेक्स्ट जब मैंने किया तो मुझे ये क्वेश्चंस आ गया। देखिए मैंने अब पिंक किया क्वेश्चंस, अब मैंने इसे सबमिट किया तो ये मेरा एक रिस्पांस रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब एक्यूरेसी वगैरह जो भी है वो रिस्पांस मेरा रिकॉर्ड हो गया। अब आप कोई गूगल फॉर्म में जा सकते हैं, देखिए रिस्पांस में एक आपको दिखा रहा है, ठीक है, किस मेल से आया है ना, आंसर किया क्या उसने, आंसर ही नहीं किया है, मैंने आंसर ही नहीं किया है इसकी। ये पॉइंट आप देखेंगे तो इसमें एक स्प्रेडशीट आप क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आपको एक्सेल के फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, कितना यूजफुल। सीधे आपका चेक भी हो गया, एक्सेल फॉर्म में आपको मिल भी गया कि 0 अंक मिले हैं, टोटल 1 थे, कमलेश को नाम है, क्लास कौन से क्लास का है, आंसर मैंने दिया था पिंक इसलिए मुझे 0 मिले हैं। तो ये हमारा गूगल फॉर्म को जनरेट करने की बात हमने कही। सेकंड में कैसे सर्टिफिकेट हम कस्टमाइज करते हैं मैं इस पर बात करूंगा, और बहुत अच्छे से और भी चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो बिल्कुल इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और कुछ क्वेश्चंस हो तो इसमें क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच to all of you.